हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उनको हमने समझने की कोशिश की थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इंटीग्रेशन की। वैसे आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन का ये तो क्या होता था, सिंबल होता था, और यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होता था जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे dx या dy जो भी है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये तो सिंबल हो गया, ये कोई फंक्शन है, और इससे ये पता लगेगा कि हम इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन के एक कांस्टेंट है इनटू एफ ऑफ एक्स है इनटू डी एक्स है, तो हम इसको के को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में किया था, के को हमने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इनटू डी एक्स ये हम रख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हो गई है आपकी इंटीग्रेशन की। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस प्लस या माइनस में हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस या फिर यहाँ पे हो सकता है माइनस जी ऑफ एक्स, और इस तरीके से हैं इनका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। और हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन समझने वाले हैं उन क्वेश्चन में ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन हम करेंगे। यानी कि एक और जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, कॉन्स्टेंट का, तो क्या आता है हमेशा डिफ्रेंशिएशन जीरो। और यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन अगर हम जीरो का करते हैं डी एक्स, तो क्या जाएगा, ये जीरो का तो इंटीग्रेशन हमेशा जीरो ही रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट आता था सी वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन आपका सी हो जाएगा। इसको भी याद रखना, क्योंकि ये पिछले पार्ट में छूट गया था। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये सभी, तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो पहला जो पार्ट है आपका, यानी कि एक बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वो किस तरीके से गिवन है आपको। ये गिवन है आपको, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है ये, और डी एक्स, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं क्यूब रूट में। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और यहाँ पे डी एक्स। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, यह जाएगा एक्स की पावर 2/3 इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में आपको पता है कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, हमेशा एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन एन प्लस वन प्लस में सी ये होता है, तो ये वाला यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, x की पावर 2/3 प्लस 1, जो वहां पे है n क्या है, यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यानी कि 2/3 प्लस में 1 प्लस में c, यानी कि इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 5/3 अपोन में 5/3 प्लस में c। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो 3 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस में c, ये क्या हो गया आपका, आंसर हो गया, यानी कि इसका इंटीग्रल हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे i के इक्वल भी मान सकते हो इसको, i इज इक्वल टू लेके चल रहे हैं, अब ये i के इक्वल चलता रहेगा लास्ट तक, i के इक्वल में यहाँ पे जो भी चल रहा है i के इक्वल में है, और यहाँ पे हम i इक्वल दिखा सकते हैं, i इज इक्वल, यानी कि i का मतलब है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट, सेकंड अभी हमने छोड़ दिया है, जल्दी उसको भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, यहाँ पे आपको गिवन है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 की पावर
एक्स और डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए की पावर एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस में सी, ये होता है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ए की जगह क्या सब्सिट्यूट कर देंगे हम, वन बाई टू। तो ये यानी कि मान लो कि आई इक्वल टू है आपका, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो i इज इक्वल टू ए की पावर x, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ए क्या है यहाँ पे, 1 बाई टू, तो 1 बाई टू की पावर x अपोन में क्या आ जाएगा, log a log 1 बाई टू प्लस में c। केवल एक ही स्टेप में क्वेश्चन आपका हो गया है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, आपको गिवन है आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है ए की पावर टू लॉग ए और एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि लॉग, अगर बेस यहां पे ई है और ये ई है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। और उसके अलावा अगर ए की पावर लॉग और यहाँ पे दोनों, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, वन। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो तो आगे की वैल्यू क्या हो जाती है, वन। तो यहाँ पे एक्स आ जाता है, अगर यहाँ पे एक्स है तो। अब ये देखो, और एक प्रॉपर्टी और है, एम लॉग एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये इसके पावर में चली जाती है। तो लॉग एन की पावर एम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये टू कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। तो आई इज इक्वल टू क्या चलेगा आपके पास, ए टू वहाँ पे चला गया तो लॉग ए ये बन गया है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है लॉगरिथमिक, यानी कि लॉगरिथम में इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे डी एक्स भूल गए हम, डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन जो अभी आपने पढ़ा है, तो वो कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स की पावर टू प्लस वन अपोन टू प्लस वन प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, जिसको आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स की पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 9.1 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे देखो, आपको गिवन है को 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है। यानी कि ये जो है आपका फंक्शन है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको आई के इक्वल में लेट कर लेंगे। तो आई इज इक्वल टू 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स है। स्टूडेंट्स अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपके पास कोई भी फंक्शन हो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर है आपके पास और यहाँ पे डी एक्स है, तो ये सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में, यानी कि ये इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, एक फंक्शन ये है, एक ये है और एक ये है, तो तीनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट में ये आपका हो गया इंटीग्रेशन 5 कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स डी एक्स फिर प्लस में इंटीग्रेशन 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये बन गया है। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी और कि आई इज इक्वल टू क्या है इसका, यानी कि इंटीग्रेशन एफ ओ के इंटू एफ ओफ एक्स है डी एक्स है, तो ये के आपका बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन बच जाता है एफ ओफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो, ये 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये 5 बाहर इंटीग्रेशन कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये 3 बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस में ये 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स है, तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन गया है।
अब यहाँ पे आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले बच्चे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सॉरी कोस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपने याद कर लिया होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स भी, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे फाइव बाहर है, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हमने इसकी जगह फॉर्मूला उठा करके रख दिया है। माइनस थ्री साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कोस एक्स, प्लस में अब यहां पे देखो सेक स्क्वायर एक्स का टू तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स। अब यहां पे देखो तीन इंटीग्रेशन है, मान लिया यहां पे सी वन आ रहा है, यहां पे सी टू आ रहा है, यहां पे सी थ्री आ रहा है, तो उनको हम एक कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री की जगह हम लिख सकते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट, तो यहां पे केवल एक ही कॉन्स्टेंट लगा देंगे सी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये यानी कि ये i इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे एक बार देखिए, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है साइन एक्स होता है, ना कि माइनस साइन एक्स जो अपने फॉर्मूले लिख रखे हैं उसमें, और यहां पे देखो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस कोस एक्स हो जाएगा आपका। अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां पे फाइव इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री कोस एक्स प्लस टू टेन एक्स प्लस में सी, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। वहां पे थोड़ी सी माइनस की मिस्टेक हो गई थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि इस तरीके से गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इस फॉर्मूले का हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सबसे पहले तो आई के इक्वल मान लेंगे, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे हम अलग अलग कर सकते हैं, एक बार अलग अलग करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा ये फंक्शन यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू क्या आता है, ये आता है यहाँ पे x माइनस, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। अब हमें पता है दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, बीच में माइनस साइन है तो अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए हैं। अब इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इसको, तो ये किससे सोल्व होगा x की पावर n के इंटीग्रेशन से, वो क्या होता है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका x की पावर वन तो गिवन है, तो प्लस में वन अपॉन वन प्लस वन, और माइनस में यहाँ पे देखो x की पावर n ही है, वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे भी माइनस x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। और देखो अब यहाँ पे दोनों के साथ में क्या लगेगा, इंटीग्रेशन कोफिशियंट यानी कि c लगेगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, i इज इक्वल टू चल रहा है आपका, तो i इज इक्वल टू x की पावर टू बाई टू माइनस, यहाँ पे देखो माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा x की पावर माइनस वन अपॉन ये माइनस वन प्लस में c, ये देखो ये माइनस वन इसको प्लस कर देगा, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में x की पावर माइनस वन प्लस में c, इसको क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस c, जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।